वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज़ अ क्लास टू सेमेस्टर टू सब्जेक्ट मैथ चैप्टर सिक्स मनी। मनी सिक्स चैप्टर मनी, इसमें हम पैसे के बारे में पढ़ेंगे कि मनी कौन कौन सी करेंसी हमारी इंडिया में होती है। 1 रुपीज़, ये 1 रुपीज़ का कॉइन है, ओके। ये 1 रुपीज़ का नोट है, ये 1 रुपीज़ का कॉइन है। 2 रुपीज़ का कॉइन, 2 रुपीज़ का नोट। 5 रुपीज़ का कॉइन, 5 रुपीज़ का नोट, ओके। 10 रुपीज़ का कॉइन एंड 10 रुपीज़ का नोट एंड 20 रुपीज़, ओके। दिस इज़ अ 20 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 2000 रुपीज़, ओके। तो अभी हमने आज क्या पढ़ा, करेंसी 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़ नोट, 2 रुपीज़ नोट, 5 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ नोट, 20 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ नोट, 500 रुपीज़ नोट एंड 2000 रुपीज़ नोट, ओके। 5 रुपीज़ देखिए बेटा, इसमें से कौन सा है, 5 रुपीज़, दिस इज़ अ 5 रुपीज़ कौन, 5 रुपीज़ से मैच किया। 50 रुपीज़ से मैच किया। 1 रुपीज़ से मैच किया। 10 रुपीज़ से मैच किया। 500 से मैच किया। 2 रुपीज़ का कॉइन है देखिए बेटा, उससे मैच किया। 20 रुपीज़ से मैच किया। 10 रुपीज़ कॉइन एंड 10 रुपीज़ नोट, ओके। 2000 रुपीज़, 100 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़, ओके। वी कैन यूज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ नोट एंड कॉइन एट दैट अप अ गिवन अमाउंट ऑफ मनी। 5 कॉइन ऑफ 1 रुपीज़, अगर हम 5 कॉइन रखेंगे 1 रुपीज़ के तो कितने रुपीज़ हो जाएंगे, काउंटेड 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल टू 5 रुपीज़। अगर हम 1 कॉइन रखेंगे 5 का तो 5 रुपीज़ हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम 2 रुपीज़ रख देंगे, 2 रुपीज़ 2 टाइम रखेंगे तो 4 वो हो गए प्लस 1 रुपीज़, अगर हम 1 का रखेंगे तो 5 रुपीज़ होगी वो भी हो जाएगा। अगर हम 2 रुपीज़ 2 कॉइन रखेंगे और 1 रुपीज़ का 1 कॉइन रखेंगे तो भी 5 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है।